हेलो एंड वेलकम बैक टू कार डिलाइट। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं टोयोटा यारिस के बेसिक मॉडल यानी कि जे वेरिएंट का। एंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके टेक्निकल डिटेल्स के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में, साथ में सेफ्टी फीचर्स, इंटीरियर्स एंड कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए इस मॉडल को परचेज करने से पहले। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कार डिलाइट को और ये बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट कार वीडियोस एंड रिव्यूज आप सबसे पहले देख सके। साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यारिस अवेलेबल है टोटल 4 वेरिएंट्स में, जो है जे, जी, वी एंड वी एक्स वेरियंट। अभी आप देख रहे हैं जे वेरियंट, सारे वेरियंट मैनुअल एंड CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ अवेलेबल है। कलर ऑप्शन की बात करें तो अभी आप देख रहे हैं रेड कलर, टोटल 6 कलर हमें मिलते हैं, जो है सुपर वाइट, पर्ल वाइट, सिल्वर मेटालिक, ग्रे मेटालिक, वाइल्ड फायर रेड एंड फैंटम ब्राउन कलर। साथ में ये है जे यानी कि बेसिक मॉडल की फ्रंट ग्रिल, ऑल ब्लैक ग्रिल मिलती है। साथ में यहाँ पे हमें जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं वो स्टैंडर्ड रहेंगे हर एक वेरिएंट में, और फॉग लैम्प इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। तो जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं उसमें हमें स्टैंडर्ड हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं। फॉलो मी होम एंड लीड मी टू व्हीकल का फीचर इस मॉडल में नहीं मिलेगा और ना ही आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इस वेरिएंट में मिलते हैं। और इस मॉडल का जो कर्व वेट है वो है, अगर मैनुअल लेते हैं तो 1090 किलो यानी 1090 kg, अगर आप लेते हैं CVT तो उसका वेट रहेगा 1110 किलो यानी 1110 kg। साथ में यहाँ पे दिए गए हैं सिल्वर कलर के व्हील कवर्स, थर्ड यानी कि वी वेरिएंट से हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं। जी मॉडल में भी हमें यानी इससे ऊपर वाले मॉडल में भी हमें 15 इंच के व्हील कवर्स ही मिलेंगे सिल्वर कलर के। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर ORVM पे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे डोर वाइजर दिए गए हैं जो कि एसेसरी का पार्ट है। हमें यहाँ पे दिया गया शार्क फिन एंटीना जो कि बहुत ही बढ़िया लुक देता है। साथ में 165mm यानी 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। और यह है टेल लाइट्स, यहाँ पे लाइन गाइड नहीं मिलती, नॉर्मल आपको टेल लाइट्स दी गई हैं। साथ में रियर में आपको फॉग लैम्प मिलेंगे यानी रिफ्लेक्टर्स। यारिस का लोगो दिया गया है, साथ में 1.5 लीटर पेट्रोल एंड साथ में जे मॉडल की बैजिंग यानी कि बेसिक मॉडल की यहाँ पे बैजिंग दी गई है। एंड यारिस के बेसिक यानी कि इस मॉडल में हमें नॉर्मल कीलेस एंट्री मिलेगी और साथ में रिमोट की मिलेगी। पुश स्टार्ट बटन आपको सेकंड वेरिएंट से मिलता है। यहाँ पे लिवर दिया गया है, इसको पुल करेंगे तो टेल गेट ओपन हो जाएगा यानी कि बूट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी वाइड ओपनिंग दी गई है बूट की, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग जो है बड़े प्रोडक्ट्स की वो ईजीली हो जाएगी। साथ में काफ़ी वेल शेप बूट मिलता है। टोटल जो स्पेस है वो है 476 लीटर का। यहाँ पे दिया गया लगेज लैम्प, साथ में यहाँ पे बूट ट्रे दी गई है जो कि एसेसरी का पार्ट है। 4500 इसकी कॉस्ट है। साथ में इसको पुल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है स्पेयर व्हील एंड टूल किट। तो यारिस में अभी हमें सिंगल इंजन ऑप्शन ऑफर करा गया है, जो है 1.5 लीटर डुअल VVTi 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। डीजल की भी एक्सपेक्टेशन है कि जल्द ही लॉन्च होगा। साथ में इसकी पावर रहेगी 107 PS की, टॉर्क मिलता है पेट्रोल में 140 Nm का। ये अवेलेबल है 6-speed मैनुअल एंड 7-speed CVT गियर बॉक्स के साथ। माइलेज की बात करें तो अगर मैनुअल लेते हैं तो 17.1 की माइलेज, अगर लेते हैं CVT ऑटोमेटिक तो 17.8 की माइलेज। और यारिस की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 42 लीटर्स की, टर्निंग रेडियस है 5.1 मीटर्स का। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी, रियर में दी गई हैं ड्रम ब्रेक्स। थर्ड वेरिएंट यानी कि वी वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे हमें 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। इसके साथ टोयोटा क्लेम करती है कि काफ़ी स्मूथ सस्पेंशन यारिस में ऑफर करा गया है। तो हमें फ्रंट में मैकपियर्सन स्ट्रट स्टेबलाइजर बार के साथ मिलता है, रियर में टॉर्जन बीम दी गई है स्टेबलाइजर बार के साथ। एंड टोयोटा अपनी इस न्यू सी सेगमेंट सेडान के ऊपर ऑफर करता है 3 ईयर्स और 1 lakh kilometers की वारंटी, विच एवर इज अर्लियर। और अगर बात करी जाए इस गाड़ी के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की एंड इस मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों ही एक ही बात है क्योंकि ये बेसिक मॉडल है। तो जो उसमें सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे वो हमें स्टैंडर्ड रहेंगे हर एक वेरिएंट में। तो जो सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वो है 7 SRS एयरबैग जो कि इंक्लूड करता है, 2 front airbags, 2 curtain airbags, 2 front side airbags एंड 1 driver knee airbag। साथ में ABS मिलता है, EBD दिया गया एंड ब्रेक असिस्ट भी मिलेगा। सेंट्रल लॉकिंग दी गई है एंड इंजन इमोबिलाइजर भी मिलता है। तो हमें स्टैंड सेफ्टी फीचर्स काफ़ी बेहतरीन दिए गए हैं। एंड यारिस के इस बेसिक मॉडल यानी कि जे में मिलता है हाई सोलर एनर्जी अब्जॉर्बिंग फ्रंट विंडशील्ड विद इंफ्रारेड कट ग्लासेस जो कि ओवरऑल कैबिन को कूल रखेंगे। लेकिन इस मॉडल में एकूस्टिक एंड वाइब्रेशन कंट्रोल ग्लासेस नहीं मिलते, वो मिलेंगे आपको सेकंड मॉडल से। साथ में इस मॉडल में हमें रिमोट कीलेस एंट्री मिलेगी, बेसिक सी हमें कीज़ मिलेंगी। अगर हम इससे ऊपर वाले मॉडल में जाते हैं जो है जी मॉडल, तो वहाँ पे हमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मिलते हैं डोर हैंडल पे। साथ में यहाँ पे कीलेस एंट्री मिलेगी इंजन पुश स्टार्ट बटन के साथ। एंड टोयोटा की स्मार्ट कीज़ भी उसी वेरिएंट में अवेलेबल है, जो है सेकंड वेरिएंट। तो अब बात करते हैं टोयोटा यारिस जे यानी कि बेसिक मॉडल के प्राइस का। तो एक्सशोरूम प्राइस जो है मैनुअल एंड CVT का वो आप अपनी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जो ऑन रोड प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मैनुअल यूनिट लेते हैं यानी मैनुअल ट्रांसमिशन बेसिक मॉडल का, तो 9,85,000 ऑन रोड प्राइस रहेगा दिल्ली में। अगर आप लेते हैं CVT ट्रांसमिशन तो उसका प्राइस है 11,18,000। तो ये दोनों प्राइजेज हैं ऑन रोड दिल्ली। एक शोरूम प्राइस जो है वो आपकी स्क्रीन पे है ऑलरेडी। एंड अगर हम बेसिक मॉडल से ऊपर सेकंड वेरिएंट में जाते हैं जो है जी, वहाँ पे हमें 2,50,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो है ऑन रोड एक्स्ट्रा प्राइजेस।
साथ में टोयोटा यारिस बिल्टअप है टोयोटा की सुपीरियर स्ट्रेंथ बॉडी के ऊपर एंड काफ़ी स्मूथ सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। अब हम चलते हैं इस बेसिक मॉडल की फ्रंट सीट्स पे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हमें फीचर्स ऑफर करे गए हैं, फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात कर लेंगे। तो फर्स्टली ये है ड्राइवर साइड डोर जो कि ब्लैक एंड बीच कलर में दिया गया है इंटीरियर्स की तरह ही, जहाँ पे टू टोन प्रीमियम ब्लैक एंड बीच इंटीरियर्स मिलते हैं, सिल्वर इंसर्ट दिए गए हैं, साथ में इनसाइड डोर हैंडल आपको बीच कलर का मिलेगा इंस्टेड ऑफ क्रोम एंड पियानो ब्लैक इंसर्ट्स इस मॉडल में सिर्फ मिलते हैं सेंट्रल कंसोल पे, डोर पैनल पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको दी गई है फैब्रिक फिनिश, साथ में ऑल फोर डोर्स में बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, मैप पॉकेट्स दी गई हैं, साथ में डोर पे आपको स्पीकर्स भी मिलेंगे। इस मॉडल में आपको फ्रंट टू ट्विटर्स अवेलेबल नहीं है। ये है ऑल फोर पावर विंडोज ड्राइवर साइड ऑटो के साथ, सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, ORVM दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल नहीं मिलते, फोल्ड हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा। साथ में ये है फ्रंट डैशबोर्ड की लुक जो कि काफ़ी प्रीमियम बनाई गई है, सिल्वर इंसर्ट्स मिलते हैं। ओवरऑल ये है फ्रंट टू सीट्स सुपर कंफर्टेबल, इसके साथ जो फ्रंट सीट हमें ड्राइवर साइड मिलती है वो हाइट एडजस्टेबल मिलती है, यहाँ पे लिवर दिया गया है तो हम इसे ऊपर या फिर नीचे करके अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लोगो दिया गया SRS एयर बैग का, यहाँ पे भी मिलता है ड्राइवर नी एयर बैग, टोटल 7 एयर बैग्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे राइट साइड नीचे दिया गया है लिवर, जिसको पुल करेंगे तो बोनेट यानी कि हुड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया मिलता है, साथ में हेडलैम्प बीम एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है एंड यहाँ पे की इंसर्ट करनी पड़ेगी इस वेरिएंट में। सेकंड वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा टोयोटा की स्मार्ट की। एंड ये है यारिस की फ्रंट आर्मरेस्ट, यहाँ पे लेदर टाइप फिनिश दी गई लेकिन ये पूरा ही प्लास्टिक का है, साथ में अंदर आपको काफ़ी अच्छी डीप स्टोरेज मिल जाती है। आर्मरेस्ट के ठीक आगे एक 12 वोल्ट का SSD सॉकेट दिया गया है, साथ में बेसिक मॉडल से ही हमें CVT यानी कि ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा मूव है। एंड जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है उसके ठीक आगे हमें दो कप होल्डर्स या फिर बॉटल होल्डर्स की स्पेस मिल जाती है, तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी यारिस काफ़ी अच्छा स्कोर करती है। और यह है सेंटर कंसोल जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, वाटर फ्लो लाइक डिज़ाइन है। एंड इस वेरिएंट में हमें मैनुअल AC मिलता है हीटर के साथ, काफ़ी बड़ी नॉब्स दी गई है, ईजी टू यूज़ है, सॉफ्ट प्लास्टिक टच दिया गया है। साथ में ये है गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम, सेकेंड मॉडल लेंगे तो वहाँ पर टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है। ये है ऑडियो सिस्टम जो सपोर्ट करता है CD, MP3, रेडियो, ऑक्स एंड USB को। ब्लू कलर की बैकलाइट एल्यूमिनेशन मिलती है, यहाँ पे ऑक्स एंड USB पोर्ट दिए गए हैं एंड इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए 4 स्पीकर दिए गए हैं। साथ में जो इस मॉडल में हमें अपॉल्स्ट्री मिलती है वो है फैब्रिक अपॉल्स्ट्री, टॉप एंड मॉडल में लेदर अपॉल्स्ट्री मिलेगी। यहाँ पे डैशबोर्ड पे लेदर टाइप फिनिश दी गई है, सिल्वर इंसर्ट्स मिलते हैं जो कि बहुत ही लग्जूरियस लुक देते हैं। साथ में यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग व्हील है वहाँ पे भी लेदर टाइप थोड़ी फिनिश दी गई है, सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं। फ्रंट सेंट्रल कंसोल में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, तो ओवरऑल लग्जूरियस लुक दी गई है। यह गाड़ी का ग्लव बॉक्स जो कि कूलिंग का ऑप्शन के साथ मिलता है, काफ़ी अंदर एम्पल स्टोरेज एरिया आपको मिल जाएगा। साथ में यारिस के इस बेसिक मॉडल में जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया है वो मिलता है हमें टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ, यहाँ पे दिया गया है नीचे लिवर, इसको हम पुल कर सकते हैं, उसके बाद एडजस्ट कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील को। साथ में स्टीयरिंग व्हील पे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल एंड MID स्क्रीन कंट्रोल्स हमें नहीं मिलते। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में MID डिस्प्ले दिया गया है वो हमें 4.2 इंचेस का TFT वाला नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में, वो मिलेगा आपको सेकंड मॉडल से। यहाँ पे बेसिक MID दिया गया जो कि शो करता है डिजिटल क्लॉक को, आउटसाइड टेम्परेचर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टोटल किलोमीटर, ट्रिप मीटर एंड साथ में माइलेज यानी कि एवरेज को। एंड ये है पैसेंजर साइड सनशेड, यहाँ पे दिया गया वैनिटी मिरर, यहाँ पे सेंटर में आपको लाइट्स मिलती हैं, दो इंडिविजुअल लाइट्स दी गई है, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है। जो ड्राइवर साइड सनशेड दिया गया है यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिलेगा। एंड जो गाड़ी में ओवरऑल एसेसरीज आप देख रहे हैं ये आप टोयोटा डीलरशिप से लगवा सकते हैं, साथ में आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे भी आप फॉलो करके उसका प्राइस पता कर सकते हैं। साथ में अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट्स पे, देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या फीचर्स ऑफर करे गए हैं इस बेसिक मॉडल में। सो ये है गाड़ी का रियर डोर, डुअल टोन ब्लैक एंड बीच डोर मिलेगा, इनसाइड डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे, यहाँ पे हमें प्लास्टिक दिया गया है, यहाँ पे लेदर टाइप स्टिचिंग हमें मिलेगी, साथ में बॉटल होल्डर्स, मैप पॉकेट्स, डोर पे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, पावर विंडोज ऑल फोर दी गई है, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन मिलेगी फ्रंट में। एंड साथ में ये है गाड़ी की रियर सीट्स, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको बेसिक मॉडल से ही मिल जाती है, साथ में यहाँ पे आइसोविक्स चाइल्ड माउंट्स एंड यहाँ पे एक बटन दिया गया है, उसको हम करेंगे प्रेस तो ये 60:40 की स्प्लिट सीट में फोल्ड हो जाएंगी, इनकेस हमारे पास लगेज ज़्यादा है तो हम ऐसे स्टोरेज स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। साथ में रियर में हमें आर्मरेस्ट भी दी गई है, तो बेसिक मॉडल से हमें कई सारे असेंशियल सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ हमें इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आर्मरेस्ट दी गई है, दो कप होल्डर्स हैं, लॉन्ग ड्राइव के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ये। एंड ओवरऑल यारिस में काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, सबसे पहले तो रियर में हमें फ्लैट फ्लोर बोर्ड मिलता है, एम्पल अमाउंट में लेग रूम दिया गया है इवन एक 6 फुटर के लिए, साथ में हेडरूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। सेंटर में यहाँ पे 12 वोल्ट के पावर आउटलेट
आपको सेकंड वेरिएंट से मिलेंगे। यहाँ पे आपको नहीं दिए गए, इन दोनों पोर्ट्स को क्लोज कर दिया गया इस वेरिएंट में। एंड साथ में जो रूफ माउंटेड रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं यारिस में एम्बिएंट लाइटिंग के साथ, वो इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे उसकी जगह सेंटर में रीडिंग लाइट्स मिलती हैं, वो आपको मिलेगा रियर एसी वेंट्स का कंसोल एम्बिएंट लाइटिंग के साथ सेकंड वेरिएंट से, तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एंड ये फ्रंट डैशबोर्ड की लुक प्रीमियम डैशबोर्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये था टोयोटा यारिस जे यानी कि बेसिक मॉडल का रिव्यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस मॉडल के बारे में अपने रिव्यूज़ दें कमेंट सेक्शन में। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।